हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 9 जो है उसका थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब हम लोग उसके कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है जिसमें हमारा कंजम्पशन जो है दैट इज़ 50,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 10,000, इम्पोर्ट 60,000, सब्सिडीज 5,000, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 40,000, एक्सपोर्ट 90,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500, प्रॉपर्टी इनकम 500। इसमें फ्रेंड पॉइंट 4, 8 और 9 जो है वो हमारा नेट रिसीवेबल है फ्रॉम अब्रॉड। 4, 8, 9 हमारा क्या क्या है? 4 है सब्सिडीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और प्रॉपर्टी इनकम। फिर है टोटल कैपिटल गेंस फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 15,000, इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली 5,000। फ्रेंड्स, ये टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, मतलब यहाँ के लोग जिन्होंने ओवरसीज में इन्वेस्ट किया है उनकी इनकम, और इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली मतलब फॉरेन नेशनल जिनकी हमारी इंडिया में इनकम है 5,000, और डिप्रेशिएशन 3,000। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो कह रहा है कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। फ्रेंड, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जिसमें हमारा था कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो कंजम्पशन है दैट इज 50,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 10,000, कंजम्पशन 50,000, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 40,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 10,000 और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा है 90,000 और इंपोर्ट है हमारा 60,000। तो 90,000 माइनस 60,000, इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा 1,30,000। और फ्रेंड्स, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको निकालने के लिए बताया था कि जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000 दिया है और सब्सिडीज 5,000 दिया, यानी 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000। तो यहाँ पे हमने 1,30,000 जो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस आया था उसमें से हमने 10,000 प्लस 5,000 यानी माइनस 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए दोनों माइनस में हो गया फ्रेंड। तो 1,30,000 में से माइनस 15,000 हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,15,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट जीएनपी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में जब हम नफिया ऐड करते हैं तो हमारा जीएनपी बनता है। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे हमने जीडीपी में हमने नफिया ऐड किया तो हमारा जीएनपी आया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 1,30,000 में नफिया हमारा क्या था 15,000 माइनस 5,000, हमारा जो आउटसाइड इनकम है 15,000 है और इनसाइड इनकम जो है 5,000 है। तो नफिया हमारा दोनों का माइनस हम लेंगे तो नफिया निकलेगा। तो 1,30,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 10,000, टोटल हमारा जीएनपी हो गया 1,40,000। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम के लिए मैंने आपको बताया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम। तो यहाँ पे हमारा जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकला है वो है 1,30,000, टैक्सेस हमारा 10,000, माइनस सब्सिडीज 5,000 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और प्रॉपर्टी इनकम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500, प्रॉपर्टी इनकम 500। तो इसको यहाँ हमने ले लिया 1,30,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 500 प्लस 500 1,000, तो टोटल हमारा है 1,36,000। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कैलकुलेट एनडीपी। एनडीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ये देखिए मैंने बताया था जीडीपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। तो हमारा डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखिए, डिप्रिसिएशन हमारा है 3,000। तो हमारा जीडीपी कितना आया था 1,30,000, उसमें से हमने 3,000 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1,27,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए भी मैंने आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला बताया था, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो हमारा जीडीपी आया था 1,30,000, देन डेप्रिसिएशन 3,000, नफिया 15,000 माइनस 5,000, और इनका इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी 10,000 प्लस 5,000, तो 1,30,000 माइनस 3,000, ये दोनों को हमने ऐड किया तो 15,000 में से 5,000 गया तो 10,000, और ये 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस हो जाएगा माइनस 15,000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1,22,000। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 35,000, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 67,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 70,000, एक्सपोर्ट 21,000, इम्पोर्ट 34,000, कॉरपोरेट अर्निंग 31,200, वेजेस सैलरी इक्वल टू 12,800। तो यहाँ पर दिया है कैलकुलेट जीडीपी। तो जीडीपी निकालने के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो कंजम्पशन हमारा यहाँ पे 35,000 दिया है, हमने ले लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा 67,000 वो हमने ले लिया, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 70,000 वो हमने ले लिया, एक्सपोर्ट हमारा है 21,000, इम्पोर्ट है 34,000 वो हमने ले लिया। 21,000 माइनस 34,000, तो 35,000 प्लस 67,000 प्लस 70,000 माइनस 21 में से 34 माइनस किया तो माइनस 13,000, सबको ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 1,59,000। फिर नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडीज़ में जो है हमारा डेटा दिया हुआ है, वेजेस इक्वल टू 3,000, सैलरीज 5,000, इंटरेस्ट 1,000, रेंट 500, कॉरपोरेट प्रॉफिट 500, प्रोडक्शन टैक्सेस 100, डेप्रिसिएशन 200, मेडिकल एक्सपेंसेस 500, मशीनरी इक्विपमेंट 100, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 250। तो यहाँ दे रहा है फ्रेंड्स कि कैलकुलेट जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। फ्रेंड इनकम अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए उसमें दिया हुआ इनकम अप्रोच के थ्रू निकाला है, तो इसमें हमें क्या क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी इनकम, प्रोडक्शन टैक्सेज एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। तो हमारा देखिए यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी इनकम, प्रोडक्शन टैक्सेज एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल है। उसके बाद मैंने फ्रेंड आपको बाइफरकेट करके बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आएंगे, इट रिप्रेजेंट्स वेजेस सैलरीज एंड अदर एम्प्लॉय सप्लीमेंट, एंड प्रॉपर्टी इनकम में आएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर्स इनकम, इंटरेस्ट एंड रेंट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमारा वेजेस और सैलरीज जो है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा 3,000 प्लस 5,000, प्रॉपर्टी इनकम में हमारा इंटरेस्ट रेट रेंट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट आएगा 1,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस हमारा कितना दिया हुआ है 100 और हमारा डेप्रिसिएशन 200। तो टोटल को ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 10,300 इज आवर आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ जीडीपी के केस स्टडीज। एक और केस स्टडीज है हमारा फ्रेंड, वो है जीडीपी कैलकुलेशन एट नॉमिनल फैक्टर एंड रियल फैक्टर। तो उसको आप हमारा सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का जो वीडियो है वहाँ पे आप उसको जाके देखिए, वहाँ पे मैंने एक केस स्टडी बताया है, वो आप यहाँ पे पर उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये केस स्टडीज़ ऑन जीडीपी कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके आप वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे यूनियन बजट के थ्योरीज के साथ, वो मैं जल्दी ही आपको अब वो वीडियो दूंगी। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हमारा चैनल देखते रहिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।